देखो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे महावे टेक्सटाइल कंपनी के बारे में। जो जो हमारे टॉपिक रह गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, परचेज करना डिस्कस किया था, और रॉ मटेरियल से आगे हमने क्या बनाए थे, यहाँ पर फिनिश गुड्स बनाए थे, लॉट नंबर बनाए थे सारे के सारे, स्टॉक जनरल और स्टॉक ट्रांसफर। क्या क्या था हमने, स्टॉक जनरल और स्टॉक ट्रांसफर का हमने यूज़ किया था यहाँ पर। उसके बाद सर आपने बोला सर ये क्या था, यहाँ पर जब हमने लॉट नंबर बना लिए उसके बाद ये क्या है, तो क्या समझ में आ रहा है ये क्या है हमारा महावीर टेक्सटाइल, और क्या दिया गया पार्टी, ये बोला है कि सेल करनी है आपको यहाँ पर। हमने जो अब आइटम बनाई क्या करेंगे इसको, सेल ही करेंगे, स्टॉक में रखेंगे तो नहीं। तो आपने कहा सर हाँ सेल करेंगे, सेल हमने किसको किया यहाँ पर, कह रहा है खुराना को हमने सेल किया यहाँ पर। लेकिन कह रहा है सेल करने से पहले इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कह रहा है कि जो आइटम आपने बनाई है उस पर कॉस्टिंग निकाल कर सेल करनी है। क्या कॉस्टिंग निकाल लें सर, तो आपने कहा कि सर इसमें 70% कॉस्टिंग निकालो फिर सेल करो। जैसे हमने कहा कोई आइटम हमारी 100 रुपये की बनी, ठीक है, पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे एक प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट क्या आ रही है, जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो कितने रुपये में बनाया, और बनने के बाद हम उस पर कितना परसेंट मार्जिन रखकर सेल करेंगे। कोई भी आइटम या कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो हम कोई आइटम सेल करेंगे तो किस लिए करेंगे, प्रॉफिट होगा तभी आगे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को जितने भी ये प्रोडक्ट दिए गए हैं इनका 70% निकालना है। कितना निकालना है, 70% निकालना है सभी के सभी प्रोडक्ट्स का यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करें यहाँ पर, तो 70% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो 70% निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर ऑल्ट या कंट्रोल क्यू बटन दबाओगे, ऑल्ट या कंट्रोल क्यू बटन दबाओगे। उसके बाद आप आओगे कहाँ पर, क्वेरी ऑन ट्रांजेक्शन के अंदर, और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम चले करेंगे सिलेक्ट वाउचर मल्टीपल ऑप्शंस। क्या करेंगे यहाँ पर हम, सिलेक्ट वाउचर मल्टीपल ऑप्शन, और इसको क्या चालू कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम चालू करेंगे क्या करा हमने, स्टॉक ट्रांसफर, ओके करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डालेंगे हमने का लॉट नंबर 1110 दिखा दो, कितने की कॉस्टिंग है इसको बनाने, तो कह रहा है कि 13.76 रुपये का, तो उसमें रॉ मटेरियल लग गया था बनाते वक्त, और उसके बाद इसमें क्या हो गया हमारा जो वक्त ऐड होता चला गया यहाँ पर, और लास्ट में जो उसका खर्चा आ गया एक पीस को बनाने का 67.76 रुपये टोटल हमारा यहाँ पर एक्सपेंस हो गया एक पीस को बनाने में। अब इसका 70% निकालना है, तो 70% मान लिया हमने, 80% निकाल सकते हो, 90% निकाल सकते हो, या जितना परसेंट आपको मार्जिन रखना है उतना परसेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने कहा 70% निकालना है, या हमने कहा सर 80% निकाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहा 70% की निकाल दो, हमने कहा कोई फिक्स नहीं है, जो हमें प्रॉफिट रखना है वो उस रेट में हम सेल करेंगे यहाँ पर। तो हमने कहा 67.76 रुपये का हमारा एक पीस बना है, अब हमने कहा कितने परसेंट मार्जिन रखेंगे, 80% यहाँ पर, ठीक है। और 100 रखेंगे तो पूरा का पूरा फुल हो जाएगा ये, यानी कि डबल ऐड कर दोगे ये प्लस ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। आपने कहा 100% नहीं 80% निकालना है, 80% में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसका 80% कैसे निकाल लेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला किस किस को मालूम है, क्या फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का, हाँ मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये करना है बस। जितना परसेंटेज निकालना है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड बाय क्या कर दो, 100 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, और एंटर करोगे तो कह रहा है कि प्रॉफिट आ गया आपका 54 रुपये प्रॉफिट रखना है आपको पर आइटम। कॉस्ट कितनी आई थी, 67.76 रुपये, तो टोटल खर्चा कितने का बेचेंगे यहाँ पर, 121.96 रुपये का हम यहाँ पर इसको सेल करेंगे आगे। आगे समझ में नहीं आया, दोबारा देखो, बना कितने का हमारा प्रोडक्ट, बना कितने का, 67 रुपये
76 पैसे का बना है यहाँ पर, ठीक है। आप क्या है, इतने रुपए का सेल नहीं करोगे यहाँ पर, कुछ मार्जिन रखोगे, मार्जिन या परसेंटेज में रखोगे या रुपीज ऐड करोगे, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर हमने क्या परसेंटेज में ऐड कर लेंगे, या आप ये भी कर सकते हो कि भाई 100 रुपये पर पीस ऐड करके चलेंगे यहाँ पर, जितने का हमारा पीस बना है उसमें क्या कर दो 100 रुपये ऐड कर दो, 100 रुपये पर पीस हमारा प्रॉफिट रहेगा, 100 रुपये प्रॉफिट रहेगा तो इसका कॉस्ट ही आ जाएगी, क्या सिंपल हो गया आपका। आपने कहा सर नहीं, इसका परसेंटेज निकाल दो, 90% निकाल दो, 70% निकाल दो, 80% निकाल दो, कुछ भी निकाल दो यहाँ पर। तो आपने कहा 67 रुपये 76 पैसे का हमारा बना था, इसका 70% निकाल दो, तो मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 67 रुपये 76 पैसे, तो ये आपका एक पीस की कॉस्ट आ जाएगी। कह रहे कि अब आपको जो सेल करना है 115 रुपये में सेल करना है, इसके अंदर हमारी कॉस्टिंग और प्रॉफिट हमारा दोनों ऐड है यहाँ पर। अब आगे समझ में, ठीक है, आगे समझ में शिवानी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस तरह सेल करेंगे, बाकी सबका 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे यहाँ पर। जैसे इसका 115 रुपये आ गया, दोबारा यहाँ पर आओगे लॉट नंबर 2 डाला, इसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, तो इसमें कह रहा 57 रुपये 77 पैसे 49 रुपये 77 पैसे, इसका गुणा 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 49 रुपये 77 पैसे, ठीक है, एंटर कर दोगे तो ये कॉस्ट आ जाएगी दोबारा 49 रुपये 77 पैसे मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 100 प्लस, ये फॉर्मूला है इसका, सिंपल, कोई डाउट इसमें नहीं है ना, बस ऐड कर दो तो 84 रुपये ये आ गया, क्लियर है। फिर लॉट नंबर 3 डालोगे यहाँ पर और लॉट नंबर 3 हमने आगे बनाया नहीं था तो याद नहीं रहा हमारा, तो 2 और 3 ऐसे बनाया आपने, बनाओगे फिर यहाँ पर एक काम और करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, फीचर ऑप्शन में आना, इन्वेंटरी के अंदर आना और यहाँ से कॉन्फ़िगर करना कि इसको मल्टीपल गोडाउन इन्वेंटरी को, और यहाँ पर इसको मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल कर लेना, क्या कर लेना है यहाँ पर, मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल, ओके करना, ओके करना, देन इसको सेव कर देना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अब आपको क्या करना पड़ेगा, MC को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा वहाँ पर। जैसे कि हम गैप क्या करते थे, पहले सेल करते थे या परचेज करते थे तो हमारे यहाँ पर मेन स्टोर आता ही आता था, वो बंद हो जाएगा, यहाँ पर अब आपका स्टोर आ जाएगा, गोडाउन आ जाएगा। देखो कैसे, डेट क्या है, 22 तारीख है, सेल किसको किया, खुराना, एड्रेस वगैरह जो है डाल दोगे, ठीक है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ट्रांसपोर्ट का नाम सब ऐड कर दोगे, ठीक है, F2 से सेव करोगे, आइटम क्या है, लॉट नंबर 1101, कहाँ सेल करना है, आपने कहा सर मेन स्टोर पे है या पैकिंग पूजा पर है, तो लास्ट जब हमने ट्रांजेक्शन करी थी पैकिंग पूजा पे छोड़ दिया था इसको, लेकिन कहाँ पर होना चाहिए था हमारा, ये शॉप पर होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो आपका शॉप ही आएगा, कितने पीस, 15 पीस, कॉस्ट क्या आई थी इसकी, 115, लॉट नंबर 2 कहाँ पर है, ये शॉप पर है, कितने 15 पीस, कॉस्ट कितनी आई थी इसकी, 84 रुपये, तो 84 रुपये, ठीक है। जो CST आया है, CST की जगह यहाँ पर डिस्काउंट डाल देना 2%, कॉटन फैब्रिक का तो कॉटन फैब्रिक आ जाएगा, मेन स्टोर में तो मेन स्टोर जितनी क्वांटिटी है, देखो नेक्स्ट वाले वाउचर में कॉटन फैब्रिक ही दिया गया आपके यहाँ पर, क्या 25 रुपये में सेल कर दो इसको, ठीक है, बाकी सेम ये भी सेल है तो उसको यहाँ पर क्या कर दोगे, सेल कर दोगे और F2 से सेव कर दोगे, क्लियर है। बाकी 4 दो और अपने आप डाल देना है यहाँ पर,
हो जाएंगे बाकी दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना था आपको, फिर सेकंड वाली ये भी सेल है आपकी, ये भी सिंपल वैसे सेल करोगे कॉस्टिंग निकाल के, देन उसके बाद फिर आपकी रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट और पेमेंट तो डाल दी होगी सबने, डाल ली, डाल लोगे। तो यहाँ पर क्या करना है, खुराना फूल स्टोर से रिसिप्ट लेना है, कितना डेट 1/4 है तो खुराना कितना अमाउंट लेना है, 50,000 ले लिया आपने, क्या कैश ले लिया था कैश, ठीक है। तो बाकी सब तो डाल ही लोगे, सिंपल एंटीएम करते हुए हैं पहले के पहले। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, चेक रिटर्न की एंट्री बढ़ा देते हैं। अब खुलाना पूरी स्टोर से RTGS आया, तो मैंने आपको पहले बोला था जब भी हम बैंक की एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे, फीचर ऑप्शन में आएंगे और अकाउंट्स में आएंगे, क्या चालू कर लेंगे बैंक रिकंसिलेशन और मेंटेन बैंक इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, इन दोनों ऑप्शन को चालू करेंगे, इसको सेव कर देंगे, यहाँ से इसको एग्जिट करेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर, आप जब रिसीप्ट और पेमेंट लोगे, आप किससे लिया आपने, आपने एक तारीख को खुराना से लिया, क्या RTGS कितने अमाउंट की, 5,000 की, तो 5,000 की क्या होगी, NEFT होगी, बताया था पहले किसके अंदर, PNB बैंक के अंदर। तो आपने पहले बैंक बनाया होगा, यहाँ पर F2 से सेव कर दोगे, F2 से सेव कर दोगे और यहाँ पर क्या डाल दोगे, सेव। उसके बाद सैलरी दे दी मोहित को, तो पेमेंट हो गया, सैलरी कितनी दी है, सैलरी 2,000, क्या है ट्रांसफ़र है, किससे, बैंक से, क्लियर। हाँ बाकी तो सब आपकी सिंपल एंट्री है, एक एंट्री है इसमें इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक, आपको कितना मिल गया, 50,000 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। तो कैसे करेंगे एंट्री डालेंगे, मिला है तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, रिसिप्ट डेट जो है वो डाल दो, 6 तारीख क्या हुआ है, इंटरेस्ट मिल गया, तो F3 से बना लेंगे क्या, इंटरेस्ट क्या डाल दोगे आप यहाँ पर, इनकम मिला है तो इनकम इनडायरेक्ट, और इसको F2 से सेव कर दोगे, कितना अमाउंट है यहाँ पर, 50,000 है तो 50,000, और नीचे क्या डाल दोगे, PNB बैंक, बैंक में जाएगा, जैसे आपका बैंक के अंदर पैसा जमा है, बैंक ने क्या कर दिया उस पर आपको इंटरेस्ट दे दिया। जैसे कि आपका कोई अमाउंट लंबे टाइम तक जमा है, आपने देखा होगा 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये आपको मिलते रहते हैं, ठीक है, तो वो आपका इंटरेस्ट मिल जाता है, आपको ब्याज मिल जाता है, क्लियर है। अब उसके बाद ऑफिस एंड बैंक चार्जेस, शिव शक्ति, शिव कृपा, ये सब डाल लोगे, लेकिन ये एंट्री है ऑफिस चेक रिटर्न ऑफिस रेंट। आप कह रहे हैं कि ऑफिस रेंट वाला जो है चेक रिटर्न हो गया, तो यहाँ पर देखो कोई और चेक दिया गया और यहाँ पर कोई और चेक दिया गया, तो इन दोनों को चेक नंबर सेम कर लेना आप, ठीक है। ऑफिस रेंट जो आपने पहले पेमेंट कही थी, इसका चेक बिल्कुल सेम कर लेना। कैसे एंट्री डालेंगे, देखो पहले आपने क्या किया, 6 तारीख की डेट में पेमेंट किया ऑफिस रेंट की, कितने की पेमेंट दी, 6,000 की, 5,000 की पेमेंट कर दिया आपने, चेक है, चेक नंबर 600148 PNB बैंक से चली गई, पेमेंट हो गई। लेकिन जब बैंक में क्या आ गया, 13,000 की डेट में ये चेक रिटर्न हो गया, कोई भी दे सकता, साइन मैच नहीं करे, बैलेंस नहीं है, या आपने कुछ गलती कर दी चेक बनाते वक्त, ओवर राइटिंग कर दी, तो चेक क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये चेक आपके पास वापसी आ गया, कब, 13,000 की डेट में, तो क्या कर दोगे, पहले दिया था अब वापस आ गया, तो क्या कर लेंगे, रिसिप्ट कर, क्या ऑफिस रेंट 6,000, चेक और बैंक अकाउंट, यहाँ पर लिख दोगे बीइंग चेक रिटर्न, अगर रिडिपोजिट करते तो दोबारा क्या कर देते, इसकी पेमेंट कर देते, तो रिडिपोजिट हो जाता है।
ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। और उसके बाद चेक रिटर्न खुराना वुल स्टोर, कह रहा है खुराना वुल का चेक रिटर्न हो गया, ये दिया था 50,000 का इसने और ये रिटर्न हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल वही एंट्री हो जाएगी जो अभी हमने करी है। पहले हमने क्या किया, खुराना से लिया 50,000 का चेक, कितना अमाउंट है, चेक नंबर है 5004, बैंक में आया, अब यही चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया बैंक में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुराना हमने लिया था, वापसी हो गया, हमने इसको वापसी कर दिया, वापसी आ गया, लिया और दे दिया, जो चेक क्लियर नहीं होगा तो हमारे किस काम का, मैंने आपसे दिया, यहाँ लिखोगे बीइंग चेक रिटर्न, 250 रुपये कटते हैं, 250 रुपये कटते हैं, कुछ नहीं बैंक चार्ज डालो, लिख दो ठीक है। उसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया आपका, बाकी तो सब एंटी नॉर्मल एंटी जो आप करते हुए आए हो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कुछ एंटी समझ में नहीं आ रही उसके अंदर, हो जाएगी, हो जाएगी सिर्फ एंटी इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, जब आपने कंपनी कंप्लीट कर लोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, नोटबुक में लिखोगे या अपने रजिस्टर में लिखोगे। पहला क्वेश्चन है टेल मी टोटल कैश बैलेंस, 10/4 से लेकर 30/4 तक बता दो कि कैश का बैलेंस क्या है हमारे पास। तो कैश का बैलेंस कैसे बताएंगे सूर्य प्रकाश, कैसे बताएंगे सूरज, कैसे बताएंगे मुरसलीन, कैसे बताएंगे मनीषा, कैसे बताएंगे शिवानी, कैसे बताएंगे मोहित, किसका बताया तुमको, उसका बताओ, इसका बताओ, तो क्या करेंगे यहाँ पर लेजर निकालेंगे, ठीक है। लेजर निकालने की शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट एल, और क्या डाल देंगे, कैश, कब से लेके कब तक, 10 से लेके 30 तक, तो यहाँ पर 10 से लेके 30 डालोगे तो कह रहा 70,450 रुपये आपके पास क्या है, लेजर बैलेंस है, कैश का बैलेंस आपके पास अवेलेबल है 70,450 रुपये। उसके बाद क्या है, टेल मी टोटल बैंक बैलेंस, कब से 1/4 से लेके 30/4 तक बैंक का बैलेंस क्या है, तो कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी ऑल्ट एल बटन दबाएंगे और यहाँ क्या डाल देंगे, बैंक अकाउंट 1 से 30, तो 1 से 30 तो बैलेंस कितना है, 53,750, तो 53,750 आ जाएगा। सो टोटल स्टॉक वैल्यू, अब स्टॉक की टोटल वैल्यू क्या है, कैसे देखते हैं हमें टोटल, हमारी टोटल स्टॉक की वैल्यू क्या है, ऑल्ट एल से तो लेजर निकलेगा ना, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टॉक स्टेटस के अंदर जाएंगे, अल्फाबेटिकल करेंगे, बैलेंस ओनली और ऑल एमसी और ऑल आइटम, और यहाँ पर क्या कर देंगे, शो वैल्यू ऑफ आइटम, क्या कर दोगे, शो वैल्यू ऑफ आइटम, तो बता देगा 1,44,018 स्टॉक की वैल्यू है और टोटल वैल्यू है इसकी 6,22,473.65 रुपये का हमारे पास स्टॉक की वैल्यू है, ठीक है, क्लियर है। कैसे देखा हमने, हमने देखा स्टॉक स्टेटस, अल्फाबेटिकल, बैलेंस ओनली, ऑल एमसी, ऑल आइटम और यहाँ पर शो वैल्यू ऑफ आइटम, तो यहाँ पर चेक करोगे तो ये वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी यहाँ पर, क्लियर है। उसके बाद फिर क्या दिखा रहा है, व्हाट इज बैलेंस पवन शर्मा, पवन शर्मा का बैलेंस क्या है, क्या करेंगे, ऑल्टल, पवन शर्मा कौन था, कटिंग मास्टर पवन शर्मा था, तो उसका लेजर निकाला तो बैलेंस का 0 दिखा रहा है, हमने आगे ट्रांसफर नहीं किया होगा इसको, ठीक है, तो ऑल्टल से दिखाएंगे इसका, लॉट नंबर 1101 बैलेंस, लॉट नंबर 11012 क्या था, क्या था प्रियंका, पार्टी थी,
पार्टी थी पक्का है? क्या था मनीषा? लॉट नंबर 1102 क्या था है? क्या था सचिन? हमारी क्या थी? ये स्टॉक आइटम थी। आप पूछा गया कि जैसे आपसे कि इस आइटम में हमारे पास क्या स्टॉक हैगा, तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे सूर्य प्रकाश? इन्वेंटरी समझ में जाओगे? इसके लिए क्या करोगे? कंट्रोल डी बटन दबाओगे। किस लिए? स्टॉक लेजर के लिए, आइटम लेजर। जैसे हमारा पार्टी का लेजर होता है, वैसे हमारी आइटम का लेजर भी होता है। यहाँ पर ऑल एम सी 1102 और एफ टू सेव कर दोगे तो कह रहा है कि 245 पीस हमारे पास अभी जो है इसके अवेलेबल है यहाँ पर बच्चे में। यहाँ क्लियर है? यहाँ से नहीं देखना तो सिंपल, कहाँ से देख लोगे? डिस्प्ले, स्टॉक स्टेटस, अल्फा वर्टिकल, बैलेंस ओनली, ऑल एम सी, वन आइटम, 1102। इसमें देखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और ये क्या आपकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल डी, ऑल एम सी डाल दोगे यहाँ पर ऑटोमेटिक काम आ जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करना था आपको? उसके बाद यहाँ पर पूछा है टोटल सेल अमाउंट। टोटल सेल की अमाउंट क्या है, कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे मनीषा शिवानी? हाँ, लेजर से देख लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? लेजर सेल्स देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33,742। लिस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका और भी है देखने का, डिस्प्ले में आओ, अकाउंट बुक के अंदर यहाँ पर सारे लेजर दिखाते हैं, सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सब। तो सेल रजिस्टर, ऑल पार्टीज और ऑल डेट डालोगे तो डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। ये पूरी डिटेल के हिसाब से देखने के लिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है? टोटल परचेज। टोटल परचेज भी सेम ऐसे देखेंगे। उसके बाद शो डे बुक। डे बुक देखनी है। डे बुक क्या है हमारी? जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी एक सिंगल डे की, वो देखनी है। तो यहाँ पर डे बुक डालोगे तो सारी ऑल ओवर ट्रांजेक्शन आ जाएंगे जो भी हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन करी है यहाँ पर। क्लियर है? उसके बाद टोटल संडे कैटरर्स का बैलेंस, यानी कि कैटरर्स का बैलेंस दिखा दो, जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग है वो बता दो। तो वो देखने के लिए क्या करेंगे? वो देखने के लिए हम आएंगे डिस्प्ले के अंदर, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर, अमाउंट रिसीवेबल, अगर डेटर का देखना तो अमाउंट रिसीवेबल, और कैटरर का देखना है तो अमाउंट पेबल। तो यहाँ पर क्या डाल दोगे? अमाउंट रिसीवेबल, सॉरी अमाउंट पेबल, और ग्रुप ऑफ अकाउंट, और इसके अंदर डाल दोगे संडे कैटर। तो यहाँ पर दिखा देगा 630,486 रुपये। ये आउटस्टैंडिंग जो आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर क्या करना है, पे करना है, देना है यहाँ पर। क्लियर है? उसके बाद शो टोटल सेल क्वांटिटी। यहाँ पर टोटल सेल की क्वांटिटी बतानी, क्या सेल करी है आपने। तो सेल की क्वांटिटी बताने के लिए क्या करोगे? सेल के अंदर लिस्ट निकाल लो, सेल लिस्ट। तो यहाँ पर टोटल सेल की क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? उसके बाद फिर शो टोटल परचेज क्वांटिटी। परचेज क्वांटिटी देखनी है, परचेज की लिस्ट निकाल लो तो परचेज क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद शो लॉट नंबर 1101 फुल ट्रांजेक्शन एवरी स्टेप। तो क्या करेंगे? फुल ट्रांजेक्शन देखने जो हमने इसकी मूवमेंट करी है, तो कंट्रोल क्यू, क्वेरी ऑन ट्रांजेक्शन, सिलेक्ट वाउचर मल्टीपल ऑप्शन, और स्टॉक ट्रांसफर, ओके, इसको यस कर दोगे 1101, एफ टू जे सेव। क्लियर है? समझ में आ गया, ठीक है। तो ये काम आपको इसके अंदर करना था, यहाँ पर फाइनल हो गया। तो अपने अपने सिस्टम में बैठो, ये काम करो। सोमदत्त।